जीवन आनंद फाउंडेशन व श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में शिव महापुराण का भव्य आयोजन 7 दिवसीय किया जा रहा है। जयंती स्टेडियम में आयोजित इस 7 दिवसीय भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु कथा का वाचन करने पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने श्री अमुक से कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। कथा के 5वें दिन भी लाखों लोगों की उपस्थिति जयंती स्टेडियम में देखी गई। देखिए खास रिपोर्ट। कुछ न कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हूं, घर में पिता हूं, घर में भाई बंधु को क्या कबीला ना के रिश्ते जितने भी समारोह जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। आपने प्रसूति शिव महापुराण की कथा में वीरणी का वर्णन किया है, ये कौन से पुराण में से किया है? पहले तो हम शर्मा जी आपके चरणों को नमन करके प्रणाम करके कहना चाहेंगे, प्रसूति शिव पुराण में जितनी जितनी बातें बोली गई उसमें अध्याय नंबर और कौन से पुराण से कहा गया है, उस पुराण का भी नाम और उसके खंड का नाम भी बोला गया है। उस पुराण को, उस कथा को एक बार वापिस निकालना और फिर वापिस पढ़ना कि शिव महापुराण के सटीक खंड में से वीरणी और प्रसूति का चरित्र का वाचन किया गया, उसको वापिस निकालिए और उसका स्मरण आपके मन में आया है बिल्कुल उसको वापिस सुनना कि किस पुराण में से, कौन से अध्याय में से, कौन से खंड में से लेकर उस कथा को वाचन। और कोई आपसे पूछे कि एकांतेश्वर महादेव की कथा आप कहां से बात रहे हो, तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा, स्कंद पुराण का स्मरण करिएगा और शिव महापुराण के सुंदर आनंद में उमा खंड का स्मरण करिएगा। उसी हूँ तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूँ, उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूँ महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूँ तो दवा की जरूरत नहीं। जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के शरीर मिल गए, मानव का शरीर भी आपका हो गया मिल गया, पर इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बारे इसको सहजना कैसे, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बारे में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच सकें।